जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। दो चरणों में झारखंड में वोट डाले जाएंगे। अब इसको लेकर महागठबंधन के अंदर भी मैराथन बैठक चल रही है। इस बीच जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ी जानकारी दी है। देखिए, झारखंड के इंडिया अलायंस में शामिल घटक दलों के नाम भी बताए हैं जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष व झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। झारखंड में जेएमएम कांग्रेस के अलावे आरजेडी और लेफ्ट का अलायंस होगा। देखिए, चार घटक दलों का अलायंस होगा। 70 सीटों पर सहमति कांग्रेस के साथ बन गई है जेएमएम की, और चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी के नाम भी जारी किए जा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जरा पहले उन्हें सुनिए। जैसे कि आप सबको मालूम है, झारखंड राज्य विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सभी दल, सभी गठबंधन अपने अपने ताल ठोक रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं चुनावी मैदान में जाने को। लेकिन चुनावी मैदान में जाने से पहले कौन कहाँ कैसे चुनाव लड़ेगा, इस पर आप सब लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग इस चुनाव को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए, हर एक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस चुनाव में जाने का निर्णय लिया है, और गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में भी जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस संदर्भ में 81 विधानसभा में जो हम लोग इंडिया गठबंधन में हम लोग साथ रहे हैं, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के दलों के साथ इस गठबंधन में एक और सहयोगी गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेफ्ट पार्टी की भी इसमें भूमिका होगी, और इस चरण में, इस चुनाव में, अभी जो पहले चरण में ये बातें तय हुई है कि राज्य के 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, और जो बचे विधानसभा सीट हैं, जो संख्या है, उस पे हमारे सहयोगियों के साथ जो कुछ लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग दूर हैं, कुछ लोग पास हैं, उनके साथ बैठकर बाकी जगहों की भी कौन किस में चुनाव लड़ेगा ये तय कर लिया जाएगा। अभी तक ये हम लोगों ने निर्णय लिया है। धन्यवाद। देखिए, हमने बताया कि 70 सीटों पर हम लोगों ने पहले सहमति बनाई है, और चूंकि ये बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे घटक दल भी अभी कुछ लोग हैं जिनको अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद नहीं है। जब वो हमारे साथ होंगे आपको
कौन कितने जगहों पर चुनाव लड़ेगा और कहां कहां चुनाव लड़ेगा, ये भी आपको विस्तृत रूप में बताने का हम स्पष्ट रूप से करेंगे। सब लोग वो भी बता देंगे, वो भी बता देंगे। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद गहमागहमी का माहौल। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव रांची पहुंचे हैं और लगातार जो बैठकों का दौर है वो चल रहा है। जेएमएम के मुखिया, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि 70 सीटों पर बात फाइनल है, आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट के साथ जेएमएम चुनाव लड़ेगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।